हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्करा शाहपुर में। तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड जेई 3/2018 से आरआरबी मालदा से प्रोविजनल एडिशनल पैनल जारी हो चुका है फ्रेंड्स, और यहां से ऑफिशियल पैनल यहां पर जारी हो चुका है। और इसमें देखें कितने टोटल इसमें कितना डिमांड किया गया था फ्रेंड्स, और इसमें कितने किस किस कैटेगरी का इसमें वेटिंग क्लियर हुआ है कितने कैंडिडेट का। तो चलिए इसको देखने के लिए चलते हैं पैनल पर। तो इससे पहले चैनल पर जोने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वेटिंग से रिलेटेड हर तरह के अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पैनल को। तो देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मालदा, तो ये मालदा से ये प्रोविजनल एडिशनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर अगेंस्ट सीएनएक 3/2018, यानी जेई का यहाँ पर मालदा से प्रोविजनल एडिशनल पैनल यहाँ पर जारी हो चुका है। तो इसमें कितने कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सारी बातें दी गई फ्रेंड्स कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मालदा द पैनल पेपर ऑफ फ्लोइंग द कैंडिडेट ऑफ बींग सेंड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे फेयरली प्लेस कोलकाता, यानी ये प्रिंसिपल चीफ पर्सनल PCP को ये पैनल सेंड कर दिया गया है। तो सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर यानी मेडिकल री एग्जामिनेशन ये सबको फिर से मेडिकल कराया जाएगा, इस सबके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें इस सबके बारे में यहाँ पर देखिए कितने कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर हो, तो इसको सरिए हम लोग देखते हैं आरआरबी मालदा से। तो यानी फर्स्ट में दिया गया है पोस्ट जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, यानी इसका कैटेगरी 2C यानी जोनल यानी ईस्टर्न रेलवे से इसको 4 कैंडिडेट का यहां से वेटिंग क्लियर किया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि यहां पर JPV यानी इसमें कैटेगरी 3 से इसमें जोनल यानी ईस्टर्न रेलवे से सारी है, उसमें टोटल 19 कैंडिडेट का यहां से वेटिंग क्लियर किया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट जेई वर्क्स इसमें कैटेगरी 12 यानी इसमें 3 कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर किया गया है। तो इसमें उसके बाद देखेंगे कि जेई मैकेनिकल पावर, इसमें जेई मैकेनिकल पावर इसमें देखिए टोटल इसमें 1 कैंडिडेट का वेटिंग क्लियर किया गया है कैटेगरी नंबर 18 से। और कैटेगरी नंबर 44 से देखेंगे हम लोग जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, इसमें टोटल 7 कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी नंबर 53 से इसमें टोटल जो कैंडिडेट इसमें दिया गया है 5 कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर किया गया है जेई इलेक्ट्रिकल TRD से। उसके बाद यहां पर देखें कैटेगरी नंबर 54 से ईस्टर्न रेलवे से इसमें 2 कैंडिडेट का इसमें वेटिंग क्लियर किया गया है इसमें जेई इलेक्ट्रिकल TRS से। उसके बाद इसमें देखेंगे 63 नंबर कैटेगरी से, यानी 63 नंबर कैटेगरी में अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें जेई SNT सिग्नल यानी इसमें 3 कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग क्लियर किया गया है ईस्टर्न रेलवे से। तो यानी मालदा से टोटल इसमें अगर टोटल को कर काउंट कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें टोटल 44 कैंडिडेट का यहाँ से पैनल में नाम आ चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, आज कुछ ही देर पहले ही अपडेट हुआ था ये पैनल, और ये 5/8/2022, और इसमें टोटल 44 कैंडिडेट का इसमें एडिशनल पैनल में नाम आ चुका है फ्रेंड्स। और इसमें देखें कितने कैंडिडेट का इसमें टोटल डिमांड किया गया था। तो चलिए डिमांड वाली लिस्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डिमांड को भी। तो इसमें देख लीजिए टोटल डिमांड जो किया गया था, तो आप लोग को बता दें आरआरबी मालदा ये ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही इसका डिवीज़न है, और इसमें ईस्टर्न रेलवे में ही इसमें मालदा का डिमांड दिया गया है। तो इसमें टोटल देख लीजिए, इसमें जेई वालों का डिमांड जिसमें टोटल है 400 यानी टोटल 486 कैंडिडेट, यहाँ पर डिमांड टोटल रिप्लेसमेंट पे 6 है, उसके बाद एडिशनल में इसमें डिमांड किया गया था 480 यानी 486 में यानी 44 कैंडिडेट को यहाँ से यानी मालदा को दिया गया है। उसके बाद जो पैनल बचा है उसके बाद ईस्टर्न रेलवे यानी कोलकाता से ये पैनल आगे की पैनल जारी किया जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ से टोटल हो जाएगा 442 यानी 442 कैंडिडेट को अब आरआरबी कोलकाता के द्वारा ये पैनल जारी किया गया जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे कि इसमें टोटल इसमें आप लोग देख लीजिए कि टोटल इसमें दिया गया था टोटल 44 कैंडिडेट का इसमें, यानी कितने कैटेगरी की सब सारी कैटेगरी जो यहाँ पर देख लीजिए आप कि कैटेगरी 2, 3 उसके बाद यानी 2, 3, 12 उसके बाद 18,
44 53 54 63 इस सारे कैटेगरी से यहाँ से टोटल मिला के इसमें 44 कैंडिडेट का यहाँ से वेटिंग क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। यानी आरआरबी मालदा को 44 सीट इसमें दिया गया है और सारी जो बची और 442 सीट तो इसमें आरआरबी कोलकाता ये सारी पैनल जारी करेंगे। तो जैसे ही कोई पैनल आगे की अपडेट होती है वेबसाइट पर तो आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।